नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं जीएसटी इनपुट एस क्रेडिट। अगर बिजनेस का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए या बिजनेस को सेल कर दिया जाए या बिजनेस का मर्जर हो जाए तो कैसे आप यहाँ पे इनपुट एस क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं ITC 02 को फाइल करके। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय टैक्सआरथी। सो दोस्तों, टैक्सआरथी ने अपनी नई बुक लॉन्च कर दी है जीएसटी ऑडिट एंड एनुअल रिटर्न की, जो कि इजीली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, और इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो दोस्तों, चलिए बताता हूँ मैं आपको कैसे ITC 02 को फाइल करके आप यहाँ पे इनपुट एस क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस है, उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म को फाइल करते वक्त। प्री कंडीशन क्या है इस ITC फॉर्म ITC 02 को फाइल करने के लिए? देखो, ये फॉलोइंग कंडीशन है जो आपको ITC 02 को फाइल करने से पहले फुलफिल करना होगा। तो दोस्तों, पहली कंडीशन ये है कि जो भी रजिस्टर्ड एंटिटी है वो उस रजिस्टर्ड एंटिटी का सेल हो रहा है, पूरा का पूरा बिजनेस सेल हो गया या मर्जर हो गया या डी मर्जर हो गया या अमलगमेशन हो गया या लीज पे दे दिया या बिजनेस का ट्रांसफर हो गया, तो उस केस में जो एक्वायर्ड एंटिटी है, मतलब कि जिस भी एंटिटी का एक्वायर्ड हो चुका है दूसरे एंटिटी के द्वारा, तो उस केस में यहाँ पे उसको यहाँ पे ITC का डिक्लेरेशन फाइल करना होता है फॉर्म ITC 02 के अंदर इनपुट एस क्रेडिट को ट्रांसफर करने के लिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एक्वायर्ड एंटिटी है, मतलब जिसका इनपुट एस क्रेडिट ट्रांसफर किया जा रहा है मर्जर के कारण, सेल के कारण, ट्रांसफर के कारण या अमलगमेशन के कारण, तो जो उसके इनपुट एस क्रेडिट लेजर के अंदर ITC पड़ा है उसको मैच करना होगा। मतलब कि सीधी सीधी बात है, आपने अगर इनपुट एस क्रेडिट लिया है तो वो आपका सामने वाली पार्टी ने अगर अपनी GSTR में दिखाया है और आपके 2A में ऑटो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो वो मैच होना चाहिए, मतलब 2A से आपका मैच होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जो भी आप इनपुट एस क्रेडिट को ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे बिजनेस को, जिसने उस बिजनेस को एक्वायर कर लिया है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफरर एंटिटी है उसको यहाँ पे इनपुट एस क्रेडिट को मैच करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो एक्वायरिंग एंटिटी है यानी ट्रांसफरी और जो एक्वायर्ड एंटिटी है यानी ट्रांसफरर, दोनों ही GST के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब कि जो बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है और जो बिजनेस को ले रहा है, ठीक है, वो दोनों ही GST के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी यहाँ पे इनपुट एस क्रेडिट को ट्रांसफर किया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रांसफरर एंटिटी है, जो अपना इनपुट एस क्रेडिट को ट्रांसफर कर रहा है, उसको अपनी सभी रिटर्न, सभी वैलिड रिटर्न फाइल करनी होगी जो पास्ट पीरियड की होगी। मतलब कि ट्रांसफर करने से पहले, इनपुट एस क्रेडिट को ट्रांसफर करने से पहले जो पास्ट की रिटर्न है, पुरानी रिटर्न है, सारी फाइल होनी चाहिए, जैसे GSTR 1, GSTR 3 भी, एनुअल रिटर्न, ये सब चीज़। और दोस्तों, जो भी पेंडिंग एक्शन है मर्जिंग एंटिटी को यहाँ पे एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मॉडिफाई या कोई भी लाइबिलिटी बनती है रिटर्न्स के अंदर, वो पे करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो बिजनेस का ट्रांसफर है वो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है, एक सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। अगर बिजनेस का यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, इनपुट एस क्रेडिट का GST के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा इशू किया जाएगा, जो उसके अंदर आपकी सारी लाइबिलिटीज़ मेंशन होगी, डिमांड मेंशन होगी कि आपकी इतनी लाइबिलिटीज़ है या ये डिमांड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू होगा। तो इस फॉर्म को फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे मैंडेटरी है CA सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही होगा। और दोस्तों, अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं CA सर्टिफिकेट के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेड सर्विसेज का लिंक है, वहाँ से जाके आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। कौन सी ITC को ट्रांसफ़र किया जा सकता है ITC 02 को फाइल करके? दोस्तों, जो मैच क्रेडिट बैलेंस होगा, मैच ITC जो अवेलेबल होगा, ठीक है, वही यहाँ पे इनपुट एस क्रेडिट के अंदर जो अवेलेबल है उसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो ITC प्रोविजनल बेसिस पे है या अनमैच है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता इस प्रोसेस के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे बात करें कि क्या यहाँ पे जो एक्वायरिंग या ट्रांसफरी एंटिटी है अपना डिसीजन चेंज कर सकता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट का बटन प्रेस करने के बाद? दोस्तों देखो, फॉर्म ITC 02 फाइल करने के बाद जो एक्वायर्ड एंटिटी है, जो ट्रांसफर एंटिटी है, उसने फॉर्म ITC 02 फाइल कर दिया, उसके बाद क्या होगा, ये जो डिटेल्स है वो ट्रांसफरी एंटिटी को नोटिफाइड की जाएगी, ठीक है, GST पोर्टल पे। फिर वो जैसे ही एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद उसके इनपुट क्रेडिट में, इनपुट क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर वो रिजेक्ट करता है तो वो नोटिफाइड कर दिया जाएगा ट्रांसफर एंटिटी को, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने बार भी यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है जब तक कि फाइनल सबमिशन ना हो जाए। दोस्तों, डी मर्जर के केस में कैसे ITC यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मतलब कि रेशो क्या होगा? तो डी मर्जर के केस के अंदर ITC जो ट्रांसफ़र किया जाएगा वो वैल्यू ऑफ एसेट्स के रेशो के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा इनपुट एस क्रेडिट को, जो न्यू एंटिटी रजिस्टर्ड हुई है डी मर्जर स्कीम के तहत।
क्या यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट या कोस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है ITC 02 के लिए? दोस्तों यहाँ पे ITC 02 को फाइल करने के लिए मैंडेटरी है कि यहाँ पे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट के द्वारा आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा ITC 02 को फाइल करते वक्त, तो ये मैंडेटरी है। अगर आप ITC 02 को फाइल कर रहे हैं मर्जर सेल ट्रांसफर अमलगमेशन या डी मर्जर के केस में, तो उस केस में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत है, मैंडेटरी है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे आपको ITC 02 फाइल करना होगा GST पोर्टल पे। सिंपल है दोस्तों, GST पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से सर्विस में जाना है, रिटर्न में जाना है, ITC फॉर्म में जाना है। ITC फॉर्म में जाने के बाद आपको ITC 02 फॉर्म दिखेगा, इस पर क्लिक करना है प्रिपेयर ऑनलाइन पे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक किया, उसके बाद जिस भी एंटिटी को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसका GST नंबर लिखना होगा, ठीक है। ये आपका मैच इनपुट एस क्रेडिट आएगा ITC, जितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ मेंशन करना होगा, ठीक है। मेंशन करने के बाद यहाँ पे नीचे जो है आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सबसे पहले फॉर्म का नाम, फिर CA या कोस्ट अकाउंटेंट का नाम, मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, जिस दिन सर्टिफिकेट को इशू किया है उसकी डेट, ठीक है, और उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे डिटेल्स को सेव कर लेंगे आपको पॉपअप मैसेज डिटेल सक्सेसफुली सेव का एक मैसेज दिखेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचरी को सेलेक्ट करके EVC या DSC का यूज़ करके आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई कर देंगे, फिर आपका फॉर्म सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा, आपको एक ARN नंबर भी मिलेगा। डाउनलोड पे क्लिक करके आप उस फॉर्म को देख सकते हैं। उसके बाद अब जो अगला एक्शन लेना होगा, जिसको ट्रांसफर किया गया है ITC यानी ट्रांसफर एंटिटी के पोर्टल पे होगा। ट्रांसफर एंटिटी अपने GST पोर्टल पे लॉगिन कर लेगा, यूजर सर्विस में जाएगा और ITC 02 पेंडिंग फॉर एक्शन पे क्लिक करेगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ट्रांसफर किया है ट्रांसफर एंटिटी ने इनपुट स्क्रीन उसकी डिटेल शो करेगी, जैसे GST नंबर, ARN नंबर, ठीक है, नेम ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ फाइलिंग, ये सब चीज़। इस पे क्लिक करेंगे फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ से उसको एक्शन लेना होगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर वो अमाउंट चला जाएगा, रिजेक्ट करेगा तो इंटीमेशन ट्रांसफर एंटिटी को मिल जाएगा SMS या मेल के थ्रू, और रिक्रेडिट हो जाएगा दोबारा से अमाउंट रिजेक्ट करने पे। एक्सेप्ट करने पे यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्टेंस का एक मैसेज दिखेगा, पॉपअप दिखेगा, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद आप इस फॉर्म को EVC या DSC का यूज़ करके फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, अगर OTP का यूज़ करके फाइल कर रहे हैं OTP आएगा वो लिखेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली आपका फॉर्म फाइल हो जाएगा, आपको एक ARN नंबर भी अब मिलेगा। उसके बाद एक्सेप्टेड का यहाँ पे स्टेटस दिखेगा और फिर अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे ITC 02 को फाइल करना है। वीडियो किस लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।